हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि विंडो एयर कंडीशनर के अंदर जो मोटर लगी होती है वो कॉमन होती है ब्लोअर और कंडेंसर के लिए, और वो मोटर जो है वो दो या तीन स्पीड वाली मोटर होती है। नॉर्मली तीन स्पीड वाली मोटर आती है जिसमें लो, मीडियम, हाई स्पीड होती है, और उसके अंदर जो है वो पांच या छह वायर्स होती है। छह वायर्स अगर होती हैं तो उसके अंदर दो कैपेसिटर की होती हैं, एक कॉमन होता है, और तीन जो है वो स्पीड की वायर होती है। तो उनको अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी वायर कैसे है, क्या है, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मोटर के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है वो या तो विजिबल नहीं होता है या वो स्टिकर जो है वो हट गया होता है। तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि हम कौन सी वायर को कॉमन बनाएं, कौन सी कैपेसिटर को लगाएं। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं जिस मोटर के अंदर छह वायर लगी हुई हैं, और अगर उस मोटर के अंदर हमारे पास जैसे छह वायर लगी होती हैं, ये जैसे हमारा एक मोटर है और इसके अंदर से एक दो तीन चार पांच छह वायर लगी होती हैं, और ये वायर अलग अलग कलर की होती हैं। इसके अंदर एक जो होती है वो काली होती है, ब्लैक वायर होती है, एक जो होती है ब्राउन होती है, ये कलर कोई भी हो सकते हैं, एक जो है वो रेड होती है, एक जो है वो ब्लू होती है, और एक जो है वो येलो और वाइट सफेद वायर। तो इस तरह ये जो वायर्स होती हैं, इन अगर हमें छह तारों को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। अब हमें इसके हर एक पेयर के अंदर इसको रेजिस्टेंस चेक करना है, और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम क्लैंप मीटर को जो है वो 200 ओम वाली सेटिंग पे सेट करेंगे। क्लैंप मीटर को 200 ओम वाली सेटिंग पे सेट करने के बाद हम इनके जो है वो पेयर्स बनाएंगे, और ये 15 जोड़े बनेंगे। तो पहले हम ब्लू वायर के साथ में बाकी जो पांच तार हैं उनका पेयर बनाएंगे, ब्लू ब्लैक, ब्लू रेड, ब्लू येलो, ब्लू व्हाइट और ब्लू ब्राउन। और उसके बाद में अब हम ब्लैक वाले वाले वायर के साथ में जोड़े बनाएंगे, तो ब्लैक रेड, ब्लैक येलो, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक ब्राउन। तो इस तरह ये हमारे जो है ब्लैक वायर के साथ भी जोड़े बन गए। अब हम रेड वाले के साथ में बनाएंगे, रेड और येलो, रेड और व्हाइट, रेड और ब्राउन। अब हम येलो वाले के साथ में बनाएंगे, येलो व्हाइट, येलो ब्राउन, येलो ब्राउन। अब हम व्हाइट के साथ में बनाएंगे, व्हाइट ब्राउन। तो इस तरह हमारे ये कितने जोड़े बन गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो 15 जो जोड़े, 15 पेयर बन गए। अब हम इन 15 के 15 पेयर्स के अंदर रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो अब हमने ये 15 के 15 पेयर्स के अंदर रेजिस्टेंस इसका चेक किया, तो हमें जो ब्लू एंड ब्लैक वायर के अंदर जो है वो 0.5 जो हमारा क्लैंप मीटर में जो मिनिमम हमारा रीडिंग आता है वो मिला, यानी कि 0 ओम मिला। इसका मतलब ये दोनों वायर अंदर एक ही जगह पर शॉर्ट है। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा वायर क्या है, इसके लिए हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहले जिन दो तारों के बीच में रेजिस्टेंस सबसे कम है, जैसे ब्लू और ब्लैक के बीच में, तो ये सबसे कम है, इसका मतलब ये दोनों वायर जो हैं वो एक जगह पर जुड़े हैं, ये दोनों वायर एक जगह पर जुड़े हैं। इनमें से एक जो है वो ब्लैक वायर है और एक जो है वो ब्लू वायर है। तो यहां पे हमें रेजिस्टेंस जो है सबसे कम मिला, 0.5 ओम मिला। तो
ये एक जगह पे जुड़े हैं, हम इनमें से कोई भी एक वायर को कॉमन या कैपेसिटर का एक तार बना सकते हैं। तो हम इसको कैपेसिटर का एक तार बना लेते हैं। तो ब्लैक वायर को हम कॉमन या इसको जो हम बोलते हैं न्यूट्रल, कॉमन न्यूट्रल वायर मान लेते हैं। अब हमारे पास, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैपेसिटर का दूसरा तार कौन सा है। तो इन दोनों वायर के साथ में, ब्लैक और ब्लू वायर के साथ में, जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है वो कैपेसिटर का दूसरा तार होगा। तो हम ब्लू के साथ में अगर ब्राउन का देखें तो ब्राउन वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो यहां पे जो ब्राउन वायर है वो कैपेसिटर का दूसरा वायर हो जाएगा। ब्लू और ब्राउन में 118 है, तो अगर आप ब्लैक और ब्राउन में देखेंगे तो वो भी हमें उतना मिलेगा, सबसे ज्यादा 118। अभी हमारे पास तीन वायर जो है वो आइडेंटिफाई हो गए, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। बाकी हमारे पास बचा रेड, येलो और व्हाइट, ये तीन तार हमारे पास बचे। अब इनमें से हमें ये मालूम करना है कि कौन सा वायर कौन सी स्पीड का है। तो हम जो कॉमन वायर हमने आइडेंटिफाई किया है, ब्लैक वायर, उनके साथ इन तीनों वायर का रेजिस्टेंस देखेंगे। तो अगर हम ब्लैक और रेड का देखते हैं तो ये हमें 68 ओम मिलता है, यहाँ पे 68 ओम, और अगर हम ब्लैक और येलो का देखते हैं तो 78 ओम मिलता है, और अगर हम ब्लैक और व्हाइट का देखते हैं तो हमें 88 ओम मिलता है। तो सबसे जो हमें कम मिला वो रेड में मिला। तो रेड जिसमें हमें सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा वो हाई स्पीड होगा, और उससे ज्यादा जिसमें मिलेगा वो मीडियम स्पीड होगा, और जिसमें सबसे ज्यादा मिलेगा वो हमारा लो स्पीड होगा। तो इस तरह हम किसी भी मोटर के जो वायर हैं वो 6 के 6 वायर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। जैसा अभी आपने देखा कि हमने बहुत आसानी से सिर्फ इसका रेजिस्टेंस जो है वो मेजर किया, और हमने ये पता लगा लिया कि कौन सा तार क्या है। तो अब अगर हम मोटर की वाइंडिंग देखें अंदर कैसा होता है, तो ये बहुत आसान है। इसके अंदर जो तीन वाइंडिंग होती है हमारे पास, एक ही जो क्वाइल को हमने इसको तीन हिस्सों में बांटा होता है। तो यहां पे हमारे पास ये जो हम इसको एक कॉमन और एक कैपेसिटर का वायर मान लेते हैं, कैपेसिटर का एक वायर मान लेते हैं, और ये जो हमारा न्यूट्रल या इसको हम कॉमन वायर जो बोलते हैं, तो ये हमारे जो दो वायर हैं, जैसे हमने इसको ब्लैक वायर माना और इसको हमने ब्राउन, तो दो वायर ये हो गए। अब हमारे पास कैपेसिटर का जो दूसरा तार है वो कैसे होएगा, ये हमारी दूसरी जो इसका एक स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है, और स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में हमारा जो है वो कैपेसिटर लगा होता है। तो यहां पे हमारे पास ये जो वायर हमारे पास आया, ये हमारे पास ब्लू वायर, तो ये कैपेसिटर का दूसरा वायर हो गया। तो ये स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग, ये जो रनिंग वाइंडिंग रहता है उसके बीच में हमारे पास कैपेसिटर लग जाता है। तो यहां पे हमारे पास जो है वो कैपेसिटर लग जाएगा, रनिंग कैपेसिटर जो लगता है, रनिंग कैपेसिटर लग जाएगा। तो अब हमारे पास बाकी बचे तीन वायर। अब इसके साथ में जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो हाई स्पीड वायर होगी, जिस वायर का। तो यहां पे ये क्या है, यहां पे अगर हम यहां से यहां तक रेजिस्टेंस नापते हैं तो ये हमें यहां पे कितना मिला था, 68 ओम। तो ये हमारा रेड वायर हो गया, हाई स्पीड वाला हो गया। इसी तरह यहां पे हमें कितना मिला था, अगर हम इन रेड और येलो के बीच में देखें तो हमें मिला था 78 ओम, 78 ओम मिला था।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मीडियम स्पीड हो गया। और यहां पे हमें कितना मिला था ब्लैक और व्हाइट के बीच में, ये हमें मिला था 88 ओम। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे ज्यादा मिला, तो ये हमारा लो स्पीड हो गया। तो इस तरह हम ये मोटर की जो वाइंडिंग होती है, अगर आप स्टिकर देखेंगे तो वो इसी तरह का स्टिकर लगा होगा, अगर उस पर लगा होगा। तो इस तरह हम ये मोटर की, किसी भी मोटर की जो वायर हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी मोटर्स के अंदर ये 5 वायर होती हैं, तो उसके हमारे जो पेयर हैं वो 10 पेयर बनेंगे, और हम उनको भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। उसमें हमारे पास ये जो 2 वायर हैं ये नहीं रहेंगी, तो हम सबसे पहले कैपेसिटर वाला वायर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैपेसिटर का वायर कौन सा है, जिन 2 के बीच में रेजिस्टेंस सबसे मिलेगा वो कैपेसिटर वाला होगा। और उसके बाद में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और जहां पे हमें रेजिस्टेंस इन तीनों वाइंडिंग का जोड़ मिलेगा वो हमारी कैपेसिटर की दूसरी तार हो जाएगी। तो इस तरह हम, चाहे वो 5 वायर वाली मोटर हो चाहे वो 6 वायर वाली मोटर हो, तो हम उसकी उन वायर्स को आइडेंटिफाई कर। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आप ये मोटर की जो वायर्स हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस करो, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।